आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई बेसिक डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन करवाना चाहें। तो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, इफ़ जो हम टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और अगर टेस्ट ट्रू होता है तो वो कोड जो कि हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं दो वेरिएबल्स बनाऊंगा, ए जिसके अंदर मैं 10 स्टोर करूंगा, और एक और वेरिएबल बनाऊंगा बी जिसके अंदर मैं लेट्स से 20 स्टोर करवाता हूँ। तो इफ़ स्टेटमेंट करूंगा और मैं डिसीजन लूंगा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो टर्मिनल पे सी आउट करवा दे कि काम हो गया। तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले एक दफ़ा खुद इसको देख लेते हैं कि किस तरह काम कर रहे हैं। ए में हमने 10 स्टोर करवाया, बी में हमने 20 स्टोर करवाया, और यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ 10, अगर इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 20 तो ये इसको सी आउट करवा देगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। तो क्योंकि 10 20 से नहीं ग्रेटर तो टर्मिनल पे हमारे पास कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। तो अगर इसी को मैं चेंज करके अगर लेस देन का साइन लगा दूं, और क्योंकि 10 इज़ लेस देन 20, ए इज़ लेस देन बी, तो ये इसको सी आउट करवा देगा। तो इसने प्रिंट आउट करवा दिया, इस कोड को एक्सिक्यूट कर दिया, और सी आउट में इसने प्रिंट कर दिया, काम हो गया। इन ऑपरेशंस को जिस तरह के ये कमेंट डाल के मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह के लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर है, इसके अलावा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है, इनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर्स भी हैं, जिस तरह के इक्वल और नॉट इक्वल। इक्वल साइन बेसिकली चेक करता है अगर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू को इक्वल है। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं दोनों को 20-20 कर लेता हूँ और इधर मैं इक्वल डालता हूँ, तो ये इस कोड को सिर्फ तब भी एग्जीक्यूट करेगा अगर ए बी के इक्वल है। क्योंकि ए बी के इक्वल है और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है, तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाते हैं। लेट सपोज कि आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, और आईडी कार्ड उनका ही बनता है जो 18 ईयर से ज़्यादा होते हैं। तो अपने प्रोग्राम का नाम रखते हैं आईडी कार्ड मेकर। तो सबसे पहले वो यूज़र को कहता है कि प्लीज़ एंटर योर एज। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम एज एंटर करवा रहे हैं, तो हमें एक वेरिएबल भी चाहिए जिसके अंदर हम एज को स्टोर करवा सकें, तो वो एज रख लेते हैं। यूज़र जहाँ पे वो एंटर करेगा उसके लिए हमें सी एन चाहिए, तो हम सी एन करेंगे एज, और इफ़ स्टेटमेंट करेंगे कि अगर जो यूज़र ने एज डाली है वो ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, क्योंकि 18 और 18 अबव के शनाख्ती कार्ड बन सकता है। तो हम ये टेस्ट करेंगे कि अगर यूज़र की एज 18 या उससे ऊपर है तो ये प्रिंट कर देगा कि मुबारक हो आपका शनाख्ती कार्ड बन सकता है। और दूसरे केस में ये कुछ भी नहीं करेगा। तो इसको रन और एक्सिक्यूट करके देखते हैं, कंट्रोल F5। तो यूज़र से पूछेगा प्लीज़ एंटर योर एज, लेट्स सपोज मैं 18 ही डालता हूँ, तो उसने प्रिंट आउट कर दिया कि मुबारक हो आपका शनाख्ती कार्ड बन सकता है। तो इसको दोबारा हम रन करके देखते हैं, और अगर मैं एज 18 से कम डालूंगा, 17 सपोज करने डालता हूँ, तो वो ये वाला कोड रन नहीं करेगा और टर्मिनल पे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा।